हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर में आने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में और कुछ अपडेट्स के बारे में, जो कि हमें OB20 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले हैं। तो यार गाइस, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड यार, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ और सारे इवेंट्स की मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस, चलते हैं सीधा वीडियो पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले जो कि है एक बंडल के बारे में, जो हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड रॉयल में। तो यस गाइस, गोल्ड रॉयल वाला बंडल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है वो बंडल जो हमें गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। देख सकते हो आप कितना मस्त लग रहा है। वैसे मतलब यार, थोड़ा सा इंडियन स्टाइल का बंडल है ये, मतलब हाँ, इंडियन थीम पर बेस्ड बंडल है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यार, सिर्फ और सिर्फ लोग इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि फीमेल बंडल है। तो यार, बहुत सारे गेम में ऐसे बंदे हैं ना जो फीमेल करेक्टर लेके खेलते हैं। मैं भी पहले फीमेल करेक्टर लेके ही खेलता था, और अभी स्टेफी आ जाएगी तो स्टेफी के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जो कि वो फीमेल करेक्टर्स के साथ अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। तो यार, बोला ज़्यादा अच्छा बंडल लगा मुझे, स्पेशली हेयर स्टाइल वगैरह बहुत अच्छी लगी है। तो यार, ये हमें गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। एंड गाइस, जब भी गोल्ड रॉयल में नया बंडल आता है तो FF टोकन में भी नया बंडल आता है। तो यार, जो बंदे इस बंडल को देख के अपसेट है ना कि यार ये क्या बंडल दे दिया गोल्ड रॉयल में, तो गाइस ये है मेल बंडल जो हमें देखने को मिल सकता है FF टोकन में। तो अब आप देख सकते हो ये बंडल बड़ा धासु है। मेरे को कोड इसका बेस्ट लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा बंडल लग रहा है मुझे ये। तो ये हमें देखने को मिलेगा FF टोकन में। तो गाइस देख सकते हो यार, कितना अच्छा बंडल है ये। और अगर आप लोगों को अपसेट हो कि यार गोल्ड रॉयल में ये फीमेल बंडल क्यों दे दिया, तो यार ये लो आपके लिए FF टोकन में एकदम झकास सा बंडल। तो ये भी हमें OB20 अपडेट के बाद ही जल्द गेम में देखने को मिल जाएगा। तो यार, आपको ये बंडल्स कैसे लग रहे हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बंडल से रिलेटेड बात चली रही है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अपना इंक्यूबेटर का ट्रेलर। तो गाइस, सबसे पहले आप ट्रेलर देख लो, फिर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको ट्रेलर? तो ये हमारा होने वाला है अपकमिंग इंक्यूबेटर, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार ये जो इंक्यूबेटर आया है। ये जो मास्क है, ये एक वीडियो गेम से रिलेटेड एक एलाइट पास आया था, उससे मिलता जुलता लग रहा है। यार, मैं चाहता था गरीना थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करे, क्योंकि सेम वैसे ही मास्क लग रहा है यार, ज़्यादा इतना मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा कोई खास डिफरेंट नहीं है, और गेम के अंदर तो सब सेम ही लगता है, सीधे ही बात है। बट आप देख सकते हो यार, बंडल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग बंडल हैं। फीमेल बंडल और मेल बंडल दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ये हमें इंक्यूबेटर में देखने को मिल जाएंगे जैसे ही अपडेट आ जाएगा। OB20 अपडेट वो कल आ ही रहा है, आज 24 हो गई, कल 25 है। कल के दिन पूरा दिन 5 अपडेट रहेगा, शायद 5 या 6 बजे तक हम गेम नहीं खेल पाएंगे। तो यार, ये अपडेट जैसे ही कल का अपडेट हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले ये गेम में भी चेंज देखने को मिल जाएगा। तो यार, आप लोगों को ये इंक्यूबेटर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस, जो एक बहुत बड़ी बात चल रही थी परगेटरी मैप को लेके कि परगेटरी मैप जाने वाला है, तो उसके लेके भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यार गाइस, परगेटरी मैप अब नहीं जाने वाला है। परगेटरी मैप सिर्फ क्लासिक, जो क्लासिक मोड है ना, उसमें से परमानेंटली हट जाएगा, बट रैंक में अवेलेबल रहेगा, और साथ ही साथ रश आवर में भी अवेलेबल रहेगा, जो आप शायद 4 से 6 या 6 से 8 समथिंग कुछ टाइम पर खेल पाओगे। बट यार, रैंक में इसमें अभी भी परगेटरी मैप रहेगा, और रैंडमली आप परगेटरी मैप आपको मिल जाया करेगा। तो यार, ये आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? मेरे को परगेटरी मैप ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं परगेटरी मैप वैसे भी खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करता। हाँ ठीक है, ब्राज़ीलिया में जो फाइट होती है वो कहीं नहीं होती है, स्टिल परगेटरी मैप मेरे लिए फेवरेट लिस्ट में बिल्कुल नहीं आता है। आप लोगों को परगेटरी मैप कितना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, हम नेक्स्ट थिंग की बात करें, तो हम बात करने वाले हमारे टॉपअप रिवॉर्ड में। तो आज हमारा टॉपअप रिवॉर्ड खत्म हो गया है, तो कल हमें टॉपअप रिवॉर्ड में क्या देखने को मिल सकता है? तो गाइस यार, हमेशा ऐसा ही हुआ है
कि कभी भी कोई करेक्टर आता है तो करेक्टर ही टॉप ऑफ रिवॉर्ड में आएगा, तो इस बार भी स्टेफी जो है ना करेक्टर हमारा वो हमें टॉप ऑफ रिवॉर्ड में देखने को मिल सकती है। शायद करेक्टर के लिए हमें 100 डायमंड का टॉप अप करना पड़े और फुल बंडल के लिए 500 या 1000 डायमंड का टॉप अप करना पड़े, तो स्टेफी प्लस बंडल दोनों चीज़ हमें मिल जाएगी। और हो सकता है कि बंडल के साथ साथ मतलब यार हो सकता है 500 डायमंड में ही हमें बंडल दे दे, 1000 डायमंड पे कोई ग्रेनेड की स्किन या ग्लोबल की स्किन, क्योंकि अभी ग्लोबल और ग्रेनेड की स्किन भी बहुत देखने को मिल रही, तो हो सकता है हमें उसमें से भी कुछ देखने को मिल जाए। यार आपको क्या लगता है क्या आ सकता है टॉप अप रिवॉर्ड में, मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है कि यार स्टेफी और स्टेफी का बंडल ही आएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि अपडेट के बाद थोड़ा सा कुछ टाइम ले नई चीज़ें रिलीज़ करने में, तो मेरे को मोस्ट ऑफ द चांसेस यही लग रहे हैं कि स्टेफी और स्टेफी का बंडल हमें नेक्स्ट टॉप ऑफ रिवॉर्ड में देखने को मिल सकता है। तो गाइस अब हम बात करने वाले एक फ्री बंडल के बारे में। जी हाँ, हमें एक और फ्री बंडल देखने को मिल सकता है और वो है ये वाला बंडल। तो देख सकते हो यार कितना अमेजिंग बंडल लग रहा है ये, मुझे ये बंडल बहुत अच्छा लगा है और ये हमें फ्री देखने को मिल सकता है। तो गाइस कैसे मिलेगा ये हमको फ्री, डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो आप गाइस ये कुछ टोकन दिख रहे हैं आपको, ब्लैक स्कल नाम है इन टोकन का, तो आपको ये टोकन कलेक्ट करने हैं तो उससे आप ये बंडल क्लेम कर सकते हो। तो यार अब ये टोकन हमें कैसे मिलेंगे, तो ये आपको इन गेम के अंदर मिल जाएंगे, और ब्लैक स्कल के साथ साथ आपको ये कुछ और टोकन से ये भी कलेक्ट करने हैं तो ये भी हमें इन गेम ही मिलेंगे। यार अब मेरे को ये जो करंट वाले ये टोकन है ना, ये ब्लू वाले, इनका मुझे नहीं पता कैसे मिलेंगे, बट आपको ब्लैक स्कल बता देता हूँ कि ब्लैक स्कल आपको कैसे मिल सकता है। तो गाइस आपको मैप में कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप का है, बड़ी सी मतलब मशीन लगी हुई है, न्यूक्लियर रिएक्टर ही बोलूँगा मैं इसको, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा आपको गेम के अंदर। ये भी बहुत पहले अपडेट आ गया था इसका कि ऐसा कुछ गेम में आने वाला है, बट मुझे पता नहीं था कि उसका जो पर्पस है आने का वो ये होने वाला, नहीं तो मैं आपको बहुत पहले बता देता। तो बट कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा गेम में देखने को मिल जाएगा, जिसे आप फोड़ोगे नॉर्मली, जैसे हम ग्रीन एग और ये सब फोड़ के हमने लिया था, तो जैसे ही आप इसको फोड़ोगे तो आपको ये ब्लैक स्कल देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर। तो ये ब्लैक स्कल ही आपको ये फोड़ फोड़ के कलेक्ट करना है, और ये कलेक्ट करके आप ये बंडल फ्री में क्लेम कर सकते हो। और ये बंडल बहुत ही अच्छा, और इतना अच्छा बंडल गरेना फ्री में दे रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और ये कितने दिनों में आएगा ये तो यार अपडेट के बाद ही पता चलेगा, बट हाँ डेफिनेटली कि हमें देखने को मिल जाएगा। यार गाइस आपको ये बंडल कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हो ओबी20 अपडेट को लेके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ओबी20 अपडेट आने वाला है, जैसे ही अपडेट आएगा तो उसकी बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो यार वीडियो यहीं खत्म करते हैं, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करके जरूर बताना कि आप कितना एक्साइटेड हो ओबी20 अपडेट के लिए। सो गाइस बाय बाय। Drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.